गेमर्स, आप सबका स्वागत है मैक्स रैक्स गेमिंग में। तो गाइस आज हम फिर से खेल रहे हैं माइनक्राफ्ट, और गाइस आज हम बनाने वाले हैं एक ऑटोमेटिक फार्म, लेकिन वो फुल्ली ऑटोमेटिक नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा ऑटोमेटिक होगा। तो चलते हैं। तो गाइस उस फार्म को बनाने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें बनानी पड़ेगी। मैं आपको पहले ही दिखा देता हूँ कि हमें क्या क्या बनाना पड़ेगा। तो गाइस हमें पहले तो ये रेडस्टोन चाहिए, जो कि हमारे पास है पहले से ही, और एक बनाना पड़ेगा डिस्पेंसर, तो वो भी मैं बना दूंगा, और एक बनाना होगा रेडस्टोन रिपीटर। आप देख सकते हैं इसकी रेसिपी भी। तो मैं बनाना स्टार्ट करता हूँ, पहले जगह देख के आते हैं अच्छी सी। तो गाइस ये वाली जगह मुझे बहुत अच्छी लग रही है, और बारिश भी शुरू हो गई है, लेकिन कोई नहीं, पहले ये लकड़ियाँ काट लेते हैं। मैं एक्स लेके आता हूँ। एक स्टैक कोबलस्टोन का ले आया हूँ, तो इन्हें भी फर्नेस में रख देते हैं, जिससे कि हमें स्टोन मिल जाए। तो गाइस आप देख सकते हो कि हमारा काम ख़त्म होने ही वाला है। तो अब ये ख़त्म हो चुका है, अब इनके भी बना देते हैं हम स्टोन ब्रिक्स। गाइस इनके भी हमने स्टोन ब्रिक्स बना लिए हैं, तो अब थोड़ी सी डर्ट भी ले लेते हैं। और चलते हैं अब। तो गाइस हम इस जगह पे बनाने वाले हैं अपना फार्म, तो शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। तो गाइस हमें थोड़ी सी डर्ट और चाहिए मेरे ख्याल से, तो इतनी नहीं काफ़ी, लेकिन देखते हैं। Thank you.
तो गाइस लगभग आधा काम तो हो गया है, तो अब हम बना के लाते हैं डिस्पेंसर। तो गाइस अब हम बना लेते हैं डिस्पेंसर। थोड़े से हमें एक बो चाहिए, थोड़े से कोबलस्टोन और थोड़ा सा रेडस्टोन चाहिए। तो गाइस आप देख सकते हो कुछ ऐसी रेसिपी है डिस्पेंसर की, तो मैं बना लेता हूँ जो जितने चाहिए उतने। मैंने 8 डिस्पेंसर्स बना लिए हैं, तो पहले रात हो रही है तो सो जाते हैं। अब हम बना लेते हैं एक रिपीटर। तो गाइस हमें थोड़ा से स्टोन की ज़रूरत है अभी, तो पहले रेडस्टोन टॉर्च बना लेते हैं हम। पहले थोड़ी सी लकड़ियाँ बना लेते हैं और फिर बना लेते हैं थोड़ी सी स्टिक, और अब बना लेते हैं थोड़ी सी रेडस्टोन टॉर्च, इतनी काफ़ी है। अब हम बना लेते हैं थोड़ी सी रिपीटर। कुछ ऐसी रेसिपी आप देख सकते हो तो मैं बना लेता हूँ। तो गाइस बाकी कुछ तो हमें नहीं चाहिए, तो बाकी का बगैर काम का सामान हम रख देते हैं चेस्ट में। तो गाइस अब चलते हैं हम, कैसे हम लगाने वाले हैं। पहले हमें डिस्पेंसर को ऐसे लगाना पड़ेगा, इसका मुंह इस तरफ होना चाहिए और 4 डिस्पेंसर ऐसे। आप जितने चाहो इतने लगा सकते हो, आपकी मर्जी। और बाद में हम इस पर रेडस्टोन रखेंगे। यहाँ डर्ट रख देता हूँ अभी के लिए। एक रिपीटर रखेंगे और फिर 8 ब्लॉक तक ले जाएंगे। कितना हुआ, 5, 6, 7। और इधर एक रिपीटर रखेंगे, ऐसे ही ले जाएंगे। एक रिपीटर यहाँ रखेंगे, और बाद में यहाँ लीवर रखना पड़ेगा। लीवर बना के आते हैं, बहुत चुका हूँ, तो अब लीवर बना लेते हैं और थोड़े से स्टोन्स ले लेते हैं, स्टोन पिक्स।
और लीवर की भी रेसिपी एकदम सिंपल है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ऐसे थोड़ी सी लकड़ियाँ निकालनी पड़ेगी पहले, अब हम बना लेते हैं लीवर, एक ही चाहिए फिलहाल तो, और चलते हैं। तो गाइस यहाँ पे स्टोन रखते हैं और उसके ऊपर लीवर। तो गाइस मैंने जैसे तैसे करके तो 8 पैकेट बना ली, तो रात हो रही है तो पहले सो जाते हैं। तो गाइस अब चलते हैं सीधा। तो गाइस सभी डिस्पेंसर में हम एक एक बकेट रख देते हैं। तो गाइस मैंने सभी डिस्पेंसर में बकेट तो रख दी है, तो एक बार आपको मैं चेक करके दिखा देता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो कि ये बढ़िया काम कर रही है। तो अब मैं यहाँ खेत बनाने वाला हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो कि मेरे पास जो कुछ था मैंने वो सब कुछ बो दिया है, तो ये जब उगेंगे तब ऑटोमेटिकली मैं सिर्फ ये लीवर दबा दूंगा और ये सारा कुछ इधर आ जाएगा। लेकिन इन्हें कलेक्ट करने के लिए हमें हॉपर बनाना पड़ेगा, तो मैं बना के ले आता हूँ। तो गाइस अब हम बना लेते हैं एक हॉपर। पहले हमें बनाना पड़ेगा एक चेस्ट, थोड़ी सी लकड़ियाँ ले लेते हैं। अब बना लेते हैं एक चेस्ट और बना लेते हैं अब एक हॉपर। कुछ ऐसी रेसिपी है आप देख सकते हैं, मैं बना लेता हूँ। तो गाइस अब एक और चेस्ट चाहिए हमें, तो इसे भी बना लेते हैं और अब चलते हैं। तो गाइस हम फिर से आ चुके हैं इधर, तो पहले थोड़ी सी सीढ़ियाँ जैसी बना लेते हैं, नीचे उतरने में आसानी हो। और अब नीचे एक चेस्ट रखनी पड़ेगी हमें, रख देते हैं इधर, और फिर चेस्ट के साथ इसे कनेक्ट करना पड़ेगा हॉपर को, और नीचे चलते हैं। मैं थोड़ी सी सीढ़ी टाइप बना देता हूँ ताकि हमें चढ़ने में आसानी हो ऊपर। और थोड़ा सा पानी चाहिए तो ले आता हूँ मैं। तो गाइस हमारा काम हो चुका है, तो अब जब भी हम वो लीवर दबाएंगे तब सारा पानी आ जाएगा और ये सीड और जो कुछ होगा वो सामान सभी इधर आ जाएगा, और इधर से हॉपर में और हॉपर से चेस्ट में, और इधर अपना सारा सामान मिल जाएगा। तो गाइस मैं ऑफलाइन हमारे फार्म पे थोड़ा सा काम करूँगा और इसे थोड़ा सा डेकोरेट करूँगा और अच्छा से अच्छा बनाने की कोशिश करूँगा। तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। Do I lost some sound into the night?